इमिग्रेशन क्लियर हो चुकी है, बैगेज कुछ नहीं। इमिग्रेशन ऑफिसर बहुत ज़्यादा कूल था, उसने मेरा सिर्फ पासपोर्ट लिया, टिकट वगैरह कुछ नहीं ली, कहाँ रहना है, कितने पैसे लाए हो, नथिंग। मेरा पासपोर्ट लिया और उसको स्कैन किया और उसको स्टैम्प की एंड बस नंबर। एंड जैसा कि मैंने अपना लास्ट वीडियो अपलोड किया था यूट्यूब पर कि मेरा जो वीज़ा है यूरोप का वो अप्रूव हो गया था, तो अभी मेरी यूरोप की सीरीज शुरू हो रही है। अभी मैं घर पर हूँ और अभी मेरी कुछ ही देर में मैं निकलूँगा अपने घर से और सेक्टर 17 चंडीगढ़ जाऊँगा और वहाँ से मेरी है बस वॉल्वो जो कि मुझे ड्रॉप करेगी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और तो अभी थोड़ा सा हॉल्ट है मेरा यहाँ पर विया ब्रिज पे, ओएसिस रेस्टोरेंट नियर करनाल। मिलते हैं आपको जल्दी एयरपोर्ट और रास्ते। Finally, I have reached इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। 3:40 हो चुके हैं सुबह के और फ्लाइट है मेरी 7:40 पर। मैं लगभग 4 पहले पहुंच चुका हूं और अगर मैं आपको अपने पीछे ये क्यू दिखाऊं तो क्यू बहुत लंबी है। चेक इन मेरा हो चुका है, बहुत लंबी क्यू थी। और अगर आप फर्स्ट टाइम, वैसे भी अगर आप इंटरनेश्नल ट्रैवल कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप जो एयरपोर्ट है वो 3 लगभग पहले पहुँच जाएँ, क्योंकि अभी जो क्यू थी वो बहुत लंबी थी। और अभी मैं जा रहा हूँ इमिग्रेशन में, तो इमिग्रेशन में अगर मुझसे कुछ पूछते हैं तो मैं आपको बताऊँगा उन्होंने मुझसे क्या क्या पूछा। वैसे इमिग्रेशन की क्यू भी बहुत लंबी है, मैं आपको इमिग्रेशन मेरी हो चुकी है। और अब सबसे ज़रूरी जो पार्ट है इस ब्लॉग का वो ये है कि इमिग्रेशन पर मुझसे क्या क्या सवाल पूछे इमिग्रेशन ऑफिसर ने, तो मैं अभी आपको उसके बारे में बताऊंगा। उससे पहले मैं अभी एयरपोर्ट देख रहा हूँ, अभी सुबह का टाइम है, इतनी शॉप्स नहीं ओपन हुई और फिर भी एयरपोर्ट काफ़ी बड़ा है। तो जैसे ही मैं इमिग्रेशन की क्यू में पहुंचा तो मैंने उनको अपना पासपोर्ट दिया, बोर्डिंग दिया जो मेरा बोर्डिंग पास था, टिकट उन्होंने देखी भी नहीं मेरी। तो पता नहीं क्या कर रहा था वो बंदा, इतना उसने किसी पर इतना टाइम नहीं लगाया, मुझ पर वो 5-7 वो देखता रहा कभी बोर्डिंग पास को और कभी उसको सिस्टम में डाल रहा था कभी वापस। तो फिर वो मुझसे पूछता आप कहाँ जा रहे हो, मैंने इसको बोल दिया मैं प्राग जा रहा हूँ, बोलता चेक रिपब्लिक, मैंने कहा यस। और फिर वो मेरे बोर्डिंग पास की तरफ देखता रहा, उसके बाद उसने कुछ ऐसा नहीं पूछा। थोड़ी देर बाद मुझे बोलता कि पर्पस क्या है आपकी विज़िट का, तो मैंने बोल दिया टूरिज़म है, दैट्स इट। उसने मेरे पासपोर्ट पर स्टैम्प की और मैं आ गया। कोई क्वेश्चंस नहीं थे एक्स्ट्रा, नथिंग, बहुत सिंपल था। कोई पैसे नहीं पूछे, कितने पैसे हैं, कहाँ रहोगे, वापस आओगे, नहीं आओगे, टिकट तो देखी भी नहीं। होप करता हूँ यही होगा मेरे साथ में भी।
बोर्डिंग ओपन हो चुकी है, सुबह के 7:15 हो चुके हैं, अब जा रहे हैं अंदर। इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर और इसके बाद मेरी यहाँ से कनेक्टिंग फ्लाइट है जो जाएगी प्राग। और ठंड है यार, यहाँ पर तो फील हो रही ठंड। और ये शटल बस है, ये हमें एयरपोर्ट तक लेके जाएगी। अभी भी क्या हुआ, मैं मॉस्को के एयरपोर्ट पर पहुंचा और मेरा स्टे यहाँ पर बहुत कम है, तो मैंने हाथ में ये कड़ा पहना हुआ है। तो मैं सिक्योरिटी, एक तो इसको इंग्लिश नहीं आ रही थी बिल्कुल भी, और वो इशारे में बोल रही थी कि इसको उतारो। कड़ा इतना टाइट है ये मेरा कि ये उतर ही नहीं रहा था। मैं फिर गया तो फिर मेरे को गुस्से से बोल रही है कि इसको उतारो, तो मैं फिर से कोशिश कर रहा था उसको उतारने की, लेकिन कड़ा उतर ही नहीं रहा था मेरा। तो फिर मैंने उसको इशारों में ही समझाया कि इट्स आई एम नॉट एबल टू डू, तो फिर बोलती ठीक है चलो आओ। और इंग्लिश की थोड़ी सी प्रॉब्लम है यहाँ पर।
इमिग्रेशन क्लियर हो चुकी है, बैगेज मिल चुका है। कुछ नहीं, इमिग्रेशन ऑफिसर बहुत ज़्यादा कूल था, उसने मेरा सिर्फ पासपोर्ट लिया, टिकट वगैरह कुछ नहीं ली, कहाँ रहना है, कितने पैसे लाए हो, नथिंग। मेरा पासपोर्ट लिया और उसको स्कैन किया और उस पर स्टैम्प की एंड बस मुझे। प्राग एयरपोर्ट के बाहर का नज़ारा और टिकट मैंने ले ली है, 32 क्रॉन्स की टिकट ली है। फाइनली मैं पहुंच चुका अपने होस्टल और इस वीडियो को मैं अभी यहीं पर एंड करता हूं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड आई विल ट्राई टू मेक गुड वीडियोस नाउ बिकॉज। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, शब्बा खैर, सत श्री अकाल।